गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज हम जा रहे हैं चेन्नई, और आज अभी टाइम हो रहा है 5:55 और निकल रहे हैं चेन्नई के लिए, बैंगलोर से चेन्नई। सो चेन्नई में थोड़ा काम है तो वहाँ जा रहे हैं, चलो चलते हैं। और बैंगलोर में ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लग चुका है बेसिकली, सो 5 to 10 to 5 बेसिकली, नाइट 10 to morning 5। सो हम अभी थोड़ा काम है चेन्नई में तो करके जा रहे हैं, और देखते हैं कि क्या क्या सिचुएशन है, कि बॉर्डर क्रॉस करने पे क्या क्या हो रहा है कि क्या नहीं। सो मैंने अपना ट्रिप मीटर ज़ीरो कर लिया है। अराउंड वन वे है अराउंड 315-320 किलोमीटर्स। सो हम सीधा कोलार रोड पकड़ेंगे और उधर से सीधा निकल जाएंगे आंध्रा बॉर्डर होकर, और सीधा फिर नेक्स्ट चेन्नई बॉर्डर। सो कर्नाटक आंध्रा आएगा, फिर चेन्नई, बेसिकली तमिलनाडु और आंध्रा बॉर्डर। सो अभी निकलते हैं, और दिखा रहा है टाइम हम पहुंच जाएंगे 12 बजे, 12:10 को दिखा रहा है अगर विदाउट ब्रेक लेके जाए तो। हमने गाड़ी साफ सफाई करा लिया था, जैसे ही मैं, आप देख ही रहे हो कि मैं हिमालयन में जा रहा हूँ, और कुछ 6 बजे इस तरीके से मौसम समर स्टार्टेड है ऑलरेडी, और मैंने जैकेट तो पहना है पर लाइनर नहीं पहना है। सो आगे चल के बात करते हैं, यहाँ से निकलते क्विकली, फिर कहीं हाईवे पे रुकते हैं, आगे कहीं देखते हैं जहाँ बॉर्डर पे हम कहाँ पे आपको कुछ शो कर सके, कुछ जानकारी दे सके, तो उस जगह पे कैमरा स्विच ऑन करते हैं। सो गाइस हम आ गए हैं होस्कोटे टोल प्लाजा, जैसे कि टाइम हो गया है 6:06, 6:06। सो हम हैं टोल प्लाजा में, यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे निकलेंगे आगे बढ़ते हुए हमारा चेन्नई। सो चेन्नई बढ़ते हुए हम चलते हैं आगे, और मौसम अभी तक काफ़ी अच्छा है, ठंडा है, सुबह ठंड है तो मौसम का कोई टेंशन नहीं। अभी डायरेक्ट हमको चलना है सीधा चेन्नई, और वैसे ही सेम टाइम दिखा रहा है कि 12 बजे पहुंचेंगे। गाइस सूर्य उदय होते हुए टाइम हो रहा है 6:17, और आप देख सकते हैं आगे से सूर्य उदय होना चालू हो गया है, और मौसम भी गर्म होना चालू हो गया। अभी तक अच्छा है बट एहसास हो गया कि थोड़ा सा गर्म होना चालू हो गया है, और टेम्परेचर दिखा रहा है बाइक पे जो है 32 डिग्री। सो आगे चलते हैं, देखो बहुत खूबसूरत सा दिख रहा है यहाँ से, और देखो आपको दिख रहा है कि नहीं। सो हम हैं अभी कोलार रोड पे, आगे पड़ेगा सीसीडी, और सीसीडी के पास पड़ेगा एक बहुत ही अच्छा लोकेशन, क्योंकि काफ़ी लोग विजिट करते हैं नियर बाय बैंगलोर में, और थोड़ा सा ऑफ रोड है उसको जाने के लिए, अगर आप बाइक कुछ इस टाइप का है जो नहीं जा सकता, जिसका ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो आप नीचे रख के वॉक करके जा सकते हैं, उसको बोलते हैं छोटा लद्दाख, बहुत अच्छा जगह है वो। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो डू विजिट, मस्ट विजिट। सो कुछ इस तरीके से मॉर्निंग, और हम क्रूज करते हुए 100-110 पे, और दिखा रहा है टाइम 5 घंटे 35 मिनट लगेंगे हमको। तो चलो आगे बताऊंगा कहाँ से एग्जैक्टली छोटा लद्दाख पड़ता है, और कौन सा छोटा लद्दाख क्यों नाम दिया गया है वो कभी किसी और ब्लॉक पे बात करेंगे। बट पेड़ों के बीच से पहाड़ के बाजू में सनराइज जो दिख रहा है, रेड सन है वो, देखो क्या व्यू है यार दोस्तों। आओ आओ आप देखिए, हस्कवर्णा, ओहो वाओ मैन। सो आप देख रहे हैं वो पहाड़ इस तरफ, लेफ्ट साइड में है सीसीडी, राइट साइड में जो आप पहाड़ देख रहे हैं उसके पीछे है छोटा लद्दाख। सो आगे से रास्ता कटता है जाने के लिए, यहीं से वहाँ जाने के लिए।
सो हम तो सीधा चलते हैं चेन्नई की ओर 276 किलोमीटर्स लेफ्ट, 11:50 को पहुंच जाएंगे बोल रहे हैं अगर हम एक भी ब्रेक नहीं लिए ऐसा ही क्रूज करते रहे तो। बट एज बीन अ बाइकर और समर यू हैव टू टेक अ ब्रेक, टी ब्रेक, वाटर ब्रेक एंड जस्ट सम रिलैक्सेशन, क्योंकि अपना पैर हाथ स्ट्रेच कर सके। तो आगे चलते हैं और मिलते हैं आगे कहीं पे। सो गाइस दिस इज अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड बाइकर्स पॉइंट है, ये है हाईवे स्टार जहाँ पे अधिकतर बिग बाइक्स आती है, मोस्टली बिग बाइक्स एंड कार। और ये छोटा सा मॉल टाइप का है जहाँ आपको अच्छा नाश्ता मिल जाएगा और थोड़ा बहुत शॉपिंग कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा है और अराउंड 60 किलोमीटर्स है, 55-60 किलोमीटर्स फ्रॉम होस्कोटे। सो ये एक्चुअली कोलार में आता है और हम अभी भी कोलार रोड में हैं और हमें निकलना है अनदर 256 किलोमीटर। अभी तक हमने डिस्टेंस कवर कर चुका है 61 और टाइम हो रहा है 6:38 और आप देख सकते हैं सूर्य देवता हमारे बाहर आ चुके हैं, सूर्य भगवान पूरी तरीके से आने वाले हैं, अनदर हाफ एन आवर में पूरा बाहर आ जाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हुए, जैसे ही 100 होगा तो हम एक ब्रेक लेंगे, टी ब्रेक। सो गाइस फिर से एक टोल और हम चल चुके हैं 99.3। सो इस टोल के बाद एक छोटा ब्रेक लेते हैं चाय के लिए और अभी टाइम हो रहा है 7:00 और हमने कवर कर लिया डिस्टेंस अराउंड 100 घर से निकलते ही। और यहाँ से एक छोटा ब्रेक ये टोल क्रॉस करके, सो लेट्स टेक अ स्मॉल ब्रेक, यहाँ पे चाय लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इसी तरह से आगे। सो टी ब्रेक लेते हैं यहाँ पे और बताते हैं, मिलते हैं आपसे टी ब्रेक के बाद। आइस अचानक से पूरा मौसम चेंज हो गया 10 मिनट के अंदर और अभी जैसे कि हो रहा है 7:20 7:18 और पूरा मौसम चेंज हो गया। आप देख रहे हो कि आगे पूरा फॉग फॉग हो गया है। अब हम आगे निकलते हैं यहीं से और आगे बात करते हैं। टी ब्रेक हो गया, हमने टी चाय पी लिया है, हमने टोटल 99.9 मीन्स ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर चल चुके हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कि पॉकेट्स क्लोज है कि नहीं, या इट्स क्लोज्ड। और अब आगे चलते हैं आगे यहीं से, इसको ऑन कर देते हैं हम। सो ठंडी थोड़ी बढ़ गई है तो थोड़ा सा इसको भी लगा लेते हैं। So let's move, यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलो दोस्तों चलते हैं आगे। ठंडा हो गया है मौसम काफी और आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी भी जीरो हो गई है अब आगे। और ठंडा तो बढ़ गया है काफ़ी, इट्स लाइक काइंड ऑफ शिवरिंग। और आप देख सकते हैं तिरुपति 131 है और चेन्नई 228। व्हाट अ ब्यूटीफुल पास, पहाड़ों को काट कर बनाया गया है ये पास रोड और काफ़ी सुंदर है ये रोड। यहाँ पे मैंने पिछले बार जब आया था तो 2-4 फोटोज़ लिए थे, अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो ज़रूर फॉलो कीजिए,
उस पर मैं काफ़ी अच्छे लाइव अपडेट्स डालते रहता हूँ, कहाँ पे हूँ मैं, क्या क्या कर रहा हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी का, तो आप ज़रूर फॉलो कीजिए मुझे। इट्स अ पब्लिक अकाउंट, इट्स अ पब्लिक फिगर अकाउंट, तो आप ज़रूर जाके फॉलो कीजिए और चेक कीजिएगा मेरे बाकी वीडियोस एंड रील्स एंड फोटोज। सो स्टोरीज काफ़ी मैं डालता रहता हूँ, सो ज़रूर चेक कीजिएगा मेरे को और फॉलो कीजिएगा। और सो आगे बढ़ते हुए सेम, सो गाइस अनदर टोल आ गया है और हम बढ़ते हुए आपको दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम हुआ है मेरी बाइक पे। एक छोटा सा टोल क्रॉस करके रोकता हूँ और दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो गया। ओके, देर इज सम शॉर्ट ऑफ चेकिंग व्हेन यू आर, सो ये है नेशनल अथॉरिटी टोल प्लाजा, टोल प्लाजा लेन 4। सो लेट्स चेक व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या हुआ है प्रॉब्लम, एक छोटा सा आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, देखा जाए क्या प्रॉब्लम हो गया। सो आप देख रहे हैं कि ये इंडिकेटर अचानक से टूट गया है और वायर भी कट हो गया, नहीं पता क्या प्रॉब्लम हुआ इसे कि ये पूरा बाहर आ गया है। सो नहीं पता कब हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं पता है, बिल्कुल नो आइडिया। सो एक ये प्रॉब्लम हो गया और बाकी सब ठीक दिख रहा है मुझे, चारों इंडिकेटर जल रहे हैं मेरे ख्याल से पीछे के, और ये सही सलामत है। सो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम उसके वजह से मुझे अचानक से अभी पता चला, बट बाकी सब सही है। तो एक थोड़ा सा फ्रेंड को कॉल कर लेते और सीधा आगे बढ़ते हैं। सूर्य देवता उग गए हैं तो गर्मी स्टार्ट हो गई है फिर से और टाइम जैसे कि हो रहा है 8, और यहाँ से हमको जाना है 161 11:30 का टाइम दिखा रहा है डेस्टिनेशन पहुँचने का। सो बंद करते हैं थोड़ा सा, मैं एक फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ, कुछ बताना है तो फिर हम सीधा आगे ही मिलेंगे बात करते हुए। गाइस वी आर इन आंध्रा बाउ, आंध्र प्रदेश के अंदर हैं, एग्जैक्टली डोंट नो कहाँ पे हैं, बट हम हैं कहीं पे आंध्रा के पास। सो आगे मिलते हैं, क्या सुंदर दिख रहा है ये फैक्ट्री यार, दूर से एकदम आप आएंगे तो एक ही फैक्ट्री है इस रोड पे, चेन्नई वाले रोड पे। मैं आंध्रा होते आंध्रा बॉर्डर क्रॉस करके चेन्नई एंटर करूँगा तमिलनाडु बॉर्डर, और ये एक फैक्ट्री है अलग से जो दूर से दिख रही थी, ये है CPF फैक्ट्री समथिंग, डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज। आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु बॉर्डर बेसिकली हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, हम एंटर कर रहे हैं तमिलनाडु, जैसे कि आप देख सकते हैं तमिलनाडु आंध्र बॉर्डर चेक, और कोई कोरोना का चेकिंग नहीं। आगे चलते हुए हम हैं तमिलनाडु में, अब बाय बाय आंध्रा। फ्यूल ब्रेक फुल टैंक करा लेते हैं, रिलायंस पेट्रोल पंप है तो यहाँ फुल टैंक करा लेंगे तो बेस्ट रहेगा। ओके, सो हो गया टू गो और टाइम हो रहा है 8:45 टाइम, और अभी बचा है किलोमीटर 115 हमको पहुँचने के लिए। सो अभी देख लेते हैं 787-88 का पेट्रोल। सो आगे रुकेंगे हम कहीं पे नाश्ता पॉइंट करने, कहीं पे नाश्ता करेंगे, आगे मुर्गन इडली शॉप है वहाँ जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, तो अभी यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं। सो अब कोई टेंशन नहीं, अब कहीं यहाँ बिंदास चलते रहेंगे, क्योंकि एक बार फ्यूल टैंक हो गया है 100 और भी चल जाता है, अराउंड 350-300 चल ही जाता है, बट तब भी से रिलायंस पेट्रोल पंप है तो मैं सोचा यहाँ से डला लेता हूँ। और सो गाइस यहाँ मुर्गन इडली शॉप पे जो हाईवे पड़ता है, यहाँ से चेन्नई है 100 किलोमीटर्स,
अराउंड 98 किलोमीटर्स। और यहाँ हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, टाइम हो रहा है 8, लेट्स चेक टाइम, इट्स अ टाइम, इट्स अराउंड, लेट मी चेक, 9:47। सो 9:47 टाइम हो रहा है और अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं आगे। सो ब्रेकफास्ट अच्छा कर लिया, दो इडली दो वड़ा खा लिया तो पेट भर गया, और एक चाय। सो अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे मुर्गन इडली शॉप में। अच्छा ब्रेकफास्ट हो गया, गाड़ी टैंक फुल है, थैंकफुल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज़ अ मुर्गन इडली शॉप। अब हम जाते हैं आगे सीधा, वॉलेट को अंदर डालते हैं, बैकपैक पे है तो उसको अंदर डालते हैं। और ये काफ़ी स्ट्रेट हाईवे है, सीधा सीधा हमको चेन्नई ले चलेगा। गाइस हमने 255 किलोमीटर कवर कर लिया है, अभी बचा है अराउंड 60 किलोमीटर्स, और 60 किलोमीटर्स बचा हुआ है और अराउंड 11:53 तक पहुंच जाएंगे बोल रहा है। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है और आप देख रहे हैं मैंने कवर कर चुका है 255 एंड अनदर 60 किलोमीटर्स आर पेंडिंग। और गर्मी बढ़ गई है इधर तमिलनाडु पे, बीच पे काफ़ी अच्छा मौसम था तो थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुका था कॉल के लिए, एक्चुअली दो चार कॉल करने थे इसलिए वो रुका हुआ था। तो अब आगे चलते हैं फिर से और फिर मिलते हैं। गाइस चेन्नई जाने के लिए सीधा अगर आपको तिरुपति जाना है तो यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ता है और ये लेफ़्ट आपको सीधा ले चलेगा तिरुपति की ओर। सो ये सीधा तिरुपति की ओर ले चलेगा आपको। सो ये रहा ब्रेक और हमको कितना दूर जाना है अभी दिखा रहा है 23 किलोमीटर्स, इट विल टेक 51 मिनट्स। सो आगे चलते हैं फिर बात करेंगे रास्ते में। गाइस वी ऑलरेडी एंटर इन अ चेन्नई, ये चेन्नई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और हम धीरे धीरे निकल रहे हैं आगे और हमारा डेस्टिनेशन है यहाँ से 21 किलोमीटर्स इनसाइड चेन्नई। सो हम धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे निकलते जाते हैं और चेन्नई में काफ़ी गर्मी है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है यहाँ से, आप राइडिंग गियर्स पहन के स्वेट हो जाओगे बिल्कुल अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो, धीरे भी चल रही है तो मुझे स्वेटिंग लग रही है बट इट्स वेरी टाइट। जैसा कि आप देख रहे हैं इतना ट्रैफिक, इतना ट्रैफिक। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि गर्मी इतनी, मतलब मेरे हाथ पैर पूरे जल गए हैं गर्मी के वजह से, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। सो आगे से हमको लेफ़्ट लेने बोल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा है इसीलिए क्योंकि प्लांटेशन है करके, ट्री प्लांटेशन। ओके सो फाइनली कवर 312 किलोमीटर्स, हमको यहाँ से सीधे जाना है, सीधे। आगे से लेफ्ट, ओके वी आर रीचिंग टुवर्ड्स अ प्लेस। तो फाइनली मैं चेन्नई आ गया हूँ आपके ब्लेसिंग से, सही सलामत पहुँच गया हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई एक छोटा सा प्रॉब्लम छोड़कर। और आज मेरा यहाँ काम है चेन्नई पे जो मैं कंप्लीट करके कल मैं वापस बैंगलोर के लिए जा रहा हूँ। मुझे चेन्नई आने के लिए, बैंगलोर से चेन्नई आने के लिए कोई भी कहीं परेशानी नहीं हुई, कोई बॉर्डर पर कोई भी कोविड नेगेटिव कोई
कोई रिपोर्ट रिजल्ट कहीं कुछ नहीं मांगा गया। सो फाइनली यहाँ, और फिर आने वाले ब्लॉक पे आप देखेंगे कि मैं बैंगलोर से सॉरी चेन्नई से बैंगलोर वापस जा रहा हूँ टुमारो, तो वो आने वाले ब्लॉक पे दिखाएंगे आपको। सो अभी तक का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्दी। थैंक यू।